हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आपने सुबह 8 बजे गुलबर्गा से निकल के पुणे पहुंच चुका हूँ। और पुणे में अभी हमें मिले हैं, देख लीजिए, राहुल भाई हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, और ये हैं अपने देवराज भाई, और ये राहुल भाई ड्राइव कर रहे हैं। जो अभी हम जाने वाले हैं मुंबई, जो 16 तारीख को प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के बारे में हम कल की वीडियो में आपको बताएँगे। तो अभी यहाँ से निकले हैं, तो आप देखिए आगे का नज़ारा क्या क्या होता है। बाद पहला टोल नाका आया है, और देखिए राहुल भाई हाथ में ये फास्टैग लेके बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने चिपकाया नहीं है कार के मिरर पे। अब देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। हो गया? हाँ हो गया, आगे अभी आगे है, अभी भी लेके बैठे हैं हाथ में, देखते हैं वर्क कैसे करता है, स्कैन होता है नहीं होता है। ओ, ऐसे कर रहे हैं, स्कैन हो गया। हाँ गाइस, स्कैन हो गया, देखो कमाल है, ये है जुगाड़, मस्त जुगाड़। तो गाइस अभी हम हैं थाने के जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है उसके अंदर है, क्योंकि रात में थोड़ा लेट हो गया था, हम थोड़े लेट पहुंच रहे थे, उसकी वजह से रात में हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। और ये हमारा रूम है, यहाँ देख सकते हैं और भी लोग हैं, इसके लिए थोड़ा उनका प्राइवेसी है, अंदर का नहीं दिखा सकता। और अभी हम नीचे जाएंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, बाकी दिखाते हैं आपको आगे। तो भाई देखिए, राहुल भाई और देवराज भाई रेडी हो गए, एकदम एक्शन स्टाइल में आ रहे हैं। वाह, तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, देख सकते हैं अभी हम गवर्नमेंट जो रेस्ट रूम है, गेस्ट हाउस है, उससे बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, ये है बाहर का नज़ारा, एकदम ही ब्यूटीफुल व्यू है। ये थाने में है गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, जहाँ पे हमको रुकने की जगह मिली थी। देखिए ब्लैक फॉर्चूनर ही है ना? हाँ फॉर्चूनर है, अच्छी लग रही है काफ़ी, एकदम बढ़िया। और यहाँ पे ये भी गवर्नमेंट का ही गेस्ट हाउस है, बैक साइड में दो है रहने के लिए, रुकने के लिए काफ़ी अच्छा है एकदम। देख लीजिए, आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो गई देखिए, रात में यहाँ पार्क की थी, और ऊपर देखिए कितना कचरा हो चुका है एकदम, ये पेड़ की वजह से हमारे कार के ऊपर पूरा कचरा कचरा आ गया। देखिए हालत ख़राब होगी कार की, देख लीजिए। और ये राहुल भाई खड़े, कार के मालिक है। तो गाइज अभी हम गेस्ट हाउस से आ गए हैं बाहर, बैग वगैरह रखी है कार में। और ये देखिए, ये है गेस्ट हाउस का मेन गेट, और यहाँ पे ये देखिए अशोक बना हुआ है, एकदम काफ़ी ब्यूटीफुल, ये क्या बोलते सिग्नल है, एकदम मस्त वाला सिग्नल। के पास में ये एक नाश्ते का दुकान है, देख लीजिए, हिंदवी फूड्स करके ये शॉप का नाम है, जो स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पर हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट, और देखते हैं टेस्ट कैसा रहता है हिंदवी फूड्स का। आपको पहले दिखा देते हैं शॉप, दिखा देते हैं कैसे है उनका स्टॉल, कैसा है करके। तो भाई देखिए, इन्हें दोनों अपनी पेट पूजा करने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पे। और ये रहा हिंदवी फूड्स का स्टॉल, जो ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के पास में है थाने में, कोट नका पे, पूरे गाड़ी पे ही बना दिया है इन्होंने इसका, मस्त आइडिया है। तो गाइस ये अपना आज का इडली वड़ा देख लीजिए, और ये बैठे अपने देवराज भाई और राहुल भाई। अरे भाई हमारा प्लेट कहाँ है? मिक्स है क्या? मिक्स है, ठीक है ठीक है, चलता ला भाई, टेस्ट करते हैं अभी और बताते हैं कैसे आया करके, कैसे है टेस्ट।
बढ़िया है ना? नहीं मस्त नहीं है, लाइट नाइस है। और ये आ गया अपना प्लेट, देख लीजिए, तो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस अभी हम टेस्ट कर रहे हैं इडली को, देखते हैं कैसी है करके। टेस्टी है, अच्छी लग रही है। तो अभी ये पूरा फिनिश करते हैं नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो गाइज हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ये रहा अपना वो जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, आप देख सकते हैं। ये इनका थोड़ा फीवर आ गया था इनको, फिर भी खा रहे हैं आइसक्रीम। और ये राहुल भाई, ये चॉप वाले, यहाँ से हमने लिया है। क्या क्या लिया? एक डीओ लिया है, टैबलेट लिए हैं, दिखा दो। ये देखा तानी क्या क्या खाते रहते हैं। तो गाइज हमको तो लगी हुई थी सर्दी और हम नहीं खा पा रहे आइसक्रीम। इन्हें देखो फुल मजे से, मेरे को छिड़ा छिड़ा के, मुझे और राहुल भाई को छिड़ा छिड़ा के खा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि लो खाओ लो खाओ। क्योंकि हमारा अभी टाइम थोड़ा ख़राब है, क्योंकि हम आइसक्रीम खा नहीं पाते ना, क्योंकि सर्दी लगा हुआ है, उल्टा ज़्यादा हो जाए और मुंबई में आए हुए हैं, फिर कहीं हॉस्पिटल में भर्ती बनाना पड़ जाए, इसके चक्कर में नहीं खा रहे और इन्हें खूब मज़े से खा रहे हैं। तो गाइज हम अभी निकल चुके हैं हाईलैंड गार्डन को, जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम रखा गया है, सत्कार समारोह बड़े बड़े लोगों का, मंत्रियों का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। तो अभी मैं, राहुल भाई और देवराज भाई निकल गए हैं वहाँ से, गेस्ट हाउस से। तो गाइस देख सकते हैं ये है प्रोग्राम का लोकेशन, देख लीजिए गार्डन, ये पूरा प्रोग्राम का लोकेशन है। बहुत सारे चेयर्स लगा के रखे हैं इधर, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा होने वाली है, वो तो बाद में ही पता चलेगा जब ये प्रोग्राम चालू होगा। नमस्ते। पर काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस देखिए इन्हें है विकास राठौड़, कलबुर्गी से, गुलबर्गा कर्नाटक से। हाय दोस्तों, कलबुर्गी से आए, यहाँ आए, माहौल थोड़ा धूप है, फिर भी अभी कब प्रोग्राम चालू होता अभी डिसीजन आगे जाके पूछते हैं। तो गाइज यहाँ पे धूप है, इसलिए थोड़ा प्रोग्राम को डिले किया है, 3 बजे तक सब लोग आएंगे, 2 बजे का टाइम रखा था, धूप ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा डिले कर दिया गया है, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, 1 घंटा बोला गया है, 2 घंटे भी हो सकते हैं। तो दिखाते हैं, ये देखिए पीछे पूरा ये बन गया, तैयार हो गया एकदम अच्छे से, देख लीजिए स्टेज है पब्लिक। अभी मैं आपको स्टेज दिखाता हूँ, स्टेज थोड़ा देख लीजिए आप। तो गाइस इन्हें है जो भुक्कड़ परेशान कर दिया है मुझे, देखो हर एक आधे घंटे घंटे में बोलते हैं भूख लगी है, इसलिए इनको अभी खिला रहा हूँ सैंडविच, देख लीजिए एकदम बढ़िया वाली मसालेदार। कैसी लग रही है? मस्त लग रही है ना आपको राहुल भाई? मस्त लग रही। तो गाइस ये लोग खा रहे सैंडविच और मैं पी रहा हूँ ये लेमन टी। और ये है हमारे राम राठौड़ जी, जो उमेश यादव जी और शंकर पवार जी के हर कार्यक्रम में अपना एक अलग ही जलवा दिखाते हैं, देख लीजिए। थैंक यू सर। तो गाइस अभी हो गया है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, थोड़ा दोबारा हो गया है, तो अभी हम यहाँ से एक फ़ोटो शूट हो गया है। तो गाइस फोटो शूट हो चुका है, आप चलते हैं नीचे। तो गाइस यहाँ पे हमने सैंडविच नाम का ये शॉप है, यहाँ पे हमने सैंडविच खा लिया है। और ये है हमारे युवराज भाई, पेट भर गया ना आप तो? ये अभी भूख लग रही है मेरे को, अभी खाना है। देखिए गाइज मैंने बोला था ना, दुनिया के सबसे बड़े भुक्कड़ मेरे को यही लगते हैं, क्योंकि इनको देखो अभी जस्ट खा के आए, फिर से बोल रहे हैं फिर से भूख लग रही है। अब फिर से भूख लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए आप।
कोई ऐसा खाना बनाए बताइए गाइस जिससे इनका ये भूख ही मिट जाए, कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा प्रकार का पिछला काम अपन सन्मान्य श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब जी राठौर साहेब, माननीय डॉक्टर उमेश जी जाधव साहेब, सन्माननीय श्री श्रीकांत जी शिंदे साहेब, नरेश जी मस्के साहेब आणि भोईर कुटुंबीय आपल्या सर्वांना विनंती करते की कृपया आपल्या उपस्थितीमध्ये दीप प्रज्वलित करून आपण कार्यक्रमाला शुभ संकेत द्यावेत। मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलित होत असताना एक दिवा आपल्या सर्वांच्या ऐक्याचा, एक दिवा आपल्या सर्वांमध्ये असलेल्या समान बंधुत्वाचा, एक दिवा नक्कीच आपण सर्व जयघोष करूयात। सेवाला पार पाडला जातोय आदरणीय श्री शंकरजी पवार साहेब, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष। थैंक यू। आप सभी की ओर से, बंजारों की ओर से नए कारोबारी गांव मुझे गारंटी है। दूसरा मुद्दा, प्रत्येक नाका नाम गांव अभी आप सबका प्यार देखते हुए आज ये समाज के लिए आप लोग आए हैं। आपकी मांगे पूरी हमारे शिंदे साहब करेंगे, मुझे गारंटी है। मुख्यमंत्री साहब ने आपने कार्य जिल्हाधिकारी व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले श्रीकांत शिंदे साहेब, शिवसेनेचे प्रवक्ते सन्माननीय श्री नरेश मस्के या सर्वांचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। थैंक यू ताई, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू। आणि मी एक गोष्ट बोलणार इथे, प्रोग्राम हो चुका है फिनिश, यानी कि देख सकते हैं सारी कुर्सियां अब खाली हो चुकी है, लोग अपने घर जा चुके हैं और हम भी जा रहे हैं। हमारे हालत हो चुकी है और बहुत मस्त हालत खराब हुई है, क्या बताऊं, धूप ने सबकी ले रखी है अच्छे से, पूछो मत। अच्छा लगा ना आपको मेकअप का? तो चलते हैं और देखते हैं। और ये है हमारे गोविंद राठौर जी, बंजारा लाइव के ओनर, मालिक बोल सकते हैं इन्हें, कुछ भी बोलिए, समाज सेवक बोलिए, कार्यकर्ता बोलिए। तो गाइस प्रोग्राम हो चुका है फिनिश और अभी हम आ चुके हैं प्रोग्राम से बाहर और अभी हो चुका है सब कुछ ऐसा का तैसा। तो अब करते हैं व्लॉग को यही के एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।